नाम एक बार तो कहना हो, अपनी बात कहें उसके बाद आप बोलिए सर, आप बोलिए बोलिए। क्या मतलब हो रहा है यार ऐसे करके? फोन पीछे सर, सबसे पहले जी सर जी आराम से साहब, आज हमारी जी सनी साहब नवनियुक्त हमारे मंत्रिमंडल ने थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। ठीक है ठीक है, जो हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमने धन्यवाद प्रस्ताव उस मंत्रिमंडल को दिया है कि प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था। बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, जो उनके समय में दूर दराज बैठे जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। हरियाणा के अंदर कई इतिहास उस सरकार ने रचे हैं, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो या बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात हो। एक बड़ा विश्वास हरियाणा प्रदेश की जनता में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर हुआ। आज हमारे मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं, उनका धन्यवाद किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के इंचार्ज प्रभारी विप्लव देव जी, और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है आदरणीय मनोहर लाल जी के, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे। और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। आज हमने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है और कल विधानसभा का सत्र वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी, और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है और कल उसमें कितने लोगों का समर्थन जो है राज्यपाल जी को दिया गया जब आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया? 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। कैबिनेट का एक्सटेंशन कब तक हो सकता है ये आपको समय समय के ऊपर बता देंगे। जनता के भी कुछ विधायक है जिसका आपने समर्थन दिया है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। नाम एक बार तो कहना हो, अपनी बात कहें उसके बाद आप बोलिए सर, आप बोलिए बोलिए बोलिए। क्या मतलब हो रहा है यार ऐसे करके? फोन पीछे सर, सबसे पहले जी सर जी आराम से, आज हमारी जी सनी साहब नवनियुक्त
हमारे मंत्रिमंडल ने थोड़ा ऊंचा बोले ठीक है जो हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमने धन्यवाद प्रस्ताव उस मंत्रिमंडल को दिया है कि प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था, बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो उनके समय में दूर दराज बैठे जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं, अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। हरियाणा के अंदर कई इतिहास उस सरकार ने रचे हैं, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो या बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात हो। एक बड़ा विश्वास हरियाणा प्रदेश की जनता में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर हुआ। आज हमारे मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं उनका धन्यवाद किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के इंचार्ज प्रभारी विप्लव देव जी, और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है आदरणीय मनोहर लाल जी के, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। आज हमने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है और कल विधानसभा का सत्र वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी, और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है और कल उसमें कितने लोगों का समर्थन जो है राज्यपाल जी को दिया गया जब आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया? 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। कैबिनेट का एप्लीकेशन कब तक हो सकता है ये आपको समय समय के ऊपर बता देंगे। जनता के भी कुछ विधायक है जिसका आपने समर्थन दिया है, ये सारी बातें आपको बताएंगे।